दोस्तों कबूल है सीजन 3 के लिए बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों आज आप लोगों को बता देता हूं कि आखिर एक बार फिर से करण सिंह ग्रोवर और सुरभि ज्योति और पुरानी स्टार कास्ट फिर से अगेन कमबैक कर रही हैं। क्योंकि सुरभि ज्योति की बात की जाए तो सुरभि ज्योति काफ़ी टैलेंटेड और काफ़ी अच्छी एक्टर्स मानी जाती हैं, जो कि करण सिंह ग्रोवर के साथ में 3 टाइम काम करने के लिए फिर से एक साथ दोनों ही स्टार कास्ट कमबैक कर रहे हैं। सुरभि ज्योति ने सबसे पहले शुरुआत की थी करण सिंह ग्रोवर के साथ में कबूल है सीजन 1 से, लेकिन सीजन 3 भी आ जाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि आखिर कबूल है सीजन 3 यानी तीसरा पार्ट भी हम और आप लोगों के बीच में दस्तक देगा। क्योंकि करण सिंह ग्रोवर की बात की जाए तो सुरभि ज्योति के साथ में उनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग को भी ऑडियंस ने काफ़ी पसंद भी किया, और उसी के ही कारण कबूल है सीजन 2 यानी कबूल है 2.0 सक्सेसफुल सीरीज में साबित हुआ था। दूसरी सीरीज जो देखी थी आपने, जिसमें करण सिंह ग्रोवर एक जासूस की भूमिका निभा रहे थे, वहीं सुरभि ज्योति की बात की जाए तो एक मिनिस्टर की, पाकिस्तानी मिनिस्टर की बेटी की भूमिका निभाती नज़र आ रही थी। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि फिर से अगेन करण सिंह ग्रोवर और सुरभि ज्योति अपने सीजन 1 वाले अंदाज से ही कमबैक करेंगे, जिसमें दोनों की नोकझोंक देखने को मिलेगी और पुराने स्टार कास्ट भी शामिल हो रही है तीसरे पार्ट के लिए। करण सिंह ग्रोवर ने हाल ही में ही एक इंटरव्यू दिया था, जिस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि सुरभि ज्योति के साथ में काम करने को लेकर अनुभव काफ़ी अच्छा लगा उनको, क्योंकि सुरभि ज्योति एक ऐसी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं जिनके साथ में सीजन 1 में नोकझोंक काफ़ी देखने को मिली थी। जोया के किरदार से वो फेमस हुई थी, मिस जोया फारूकी के नाम से, और असद अहमद खान का जो किरदार निभाया था वो करण सिंह ग्रोवर ने निभाया था, और वाकई में इन दोनों की बॉन्डिंग को लोगों ने ज़बरदस्त पसंद भी किया था। करण सिंह ग्रोवर और सुरभि ज्योति जैसे ही कबूल है 2.0 में दस्तक दी, तुरंत ही ऑडियंस को पता चल गया कि इस बार का सीजन 2 जो कि सुपर डुपर हिट होने वाला है, जिसमें करण सिंह ग्रोवर एक प्लेयर की तो भूमिका निभाते नजर आए थे लेकिन एक जासूस की भी भूमिका निभाई थी। और वाकई में पर्सनैलिटी की बात की जाए तो करण सिंह ग्रोवर ने दिखा दिया था कि वाकई में उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ऊपर के लेवल की है, जो कि दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस भी किया उस पर्सनैलिटी में। दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ कि उसमें वो पाकिस्तानी मिनिस्टर की बेटी जोया की हेल्प करते दिखाई दे रहे हैं, और जो जोया का जो किरदार था वो सुरभि ज्योति ने बहुत ही अच्छी तरीक़ा से निभाया था, और लोगों ने इस सीरीज को भी पसंद किया था। लेकिन ऑडियंस की चॉइस के लिए एक बार फिर से कबूल है सीजन 3 अगेन कमबैक कर रहा है, वो भी नए अंदाज के साथ में, जो कि ऑडियंस को इस बार कबूल है सीजन 3 और भी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आप लोगों को मैं आज एक जानकारी और बता देना चाहता हूँ, टेलीविज़न हो या फिर बॉलीवुड हो, सबकी अपडेट मैं अपने यूट्यूब चैनल से ही प्रसारित करूँगा। सिर्फ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताओ। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू।